अगर आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है तो जाहिर है आपका भी ड्रीम है एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब लेने का जो कि आपकी लाइफ बना दे। तो यार चिंता क्यों कर रहे हो, आप बिल्कुल सही जगह आ चुके हो, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपकी लाइफ बदलने का दम रखती है। इस अपॉर्चुनिटी के बारे में अभी तक भी बहुत सारे लोग नहीं जानते, जबकि ये गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी हर साल जरूर निकलती है। इसके अंदर कॉम्पिटिशन कम रहने का सबसे बड़ा कारण तो यही है कि काफी सारे लोग को इसके बारे में अभी तक पता ही नहीं, और काफी सारे लोग इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को समझने की कोशिश ही नहीं करते, जबकि ये एक इतनी जबरदस्त लेवल की गवर्नमेंट जॉब है, अगर मैंने आपको इसकी सैलरी बता दी ना, आप हिल जाओगे। दोस्तों इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी 1,25,000 पर मंथ से ज्यादा होती है। आपने सही सुना, 1,25,000 से ज्यादा हर महीने आपको सैलरी मिलती है इस पोस्ट के ऊपर, जबकि ये कोई सिविल सर्विसेज का एग्जाम नहीं है। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर आईएएस लेवल का नहीं होता, इसका एग्जाम बहुत टफ नहीं आता, वही आपका नॉर्मल मॉडरेट होता है, वही आपको पढ़ना होता है जो आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ते हो। अगर मैंने आपको इसके प्रीवियस ईयर कट ऑफ दिखा दी ना, आप हंसोगे कि भैया क्यों मजाक कर रहे हो, इतनी कम कट ऑफ किसी एग्जाम की जाती है क्या? और इस वीडियो के बाद आप खुद मुझसे शिकायत कर रहे होंगे कि भैया इस एग्जाम के बारे में आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया। तो चलिए दोस्तों बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। देखिए दोस्तों, आपको इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे कि भाई एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मिनिमम क्राइटेरिया क्या होता है, एग्जाम पैटर्न को डिटेल के साथ समझाऊंगा, इवन इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा, प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले, सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या मिलेगी, कौन कौन से अलाउंसेस आपको मिलते हैं, सैलरी का पूरा स्ट्रक्चर आपको समझाऊंगा, एग्जाम सेंटर्स को डिस्कस करेंगे, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, प्रोबेशन पीरियड, प्रमोशंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं, आप लोगों की हैवी डिमांड पर इंडिया की पहली एसएससी मास्टर गाइड अब अमेज़न के ऊपर भी अवेलेबल हो चुकी है। फटाफट ऑनलाइन परचेज करके घर पर अवेलेबल करा के नेक्स्ट लेवल के प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, केवल एसएससी नहीं हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का इलाज है ये मास्टर गाइड। तो चलिए दोस्तों, इतनी देर से मैं जिस जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूं ना, वो है आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर रिक्रूटमेंट। हर साल आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ग्रेड बी ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी जरूर निकलती है। देखिए दोस्तों, ये एक ग्रुप ए की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए जबरदस्त पोस्ट रहने वाली है। देखिए दोस्तों, पोस्ट है हमारी ऑफिसर ग्रेड बी जनरल कैडर की। देखिए दोस्तों, हर साल आरबीआई के अंदर वेरियस ग्रेड बी ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती है, लेकिन जो सबसे बेस्ट पोस्ट है ना, वो ऑफिसर ग्रेड बी जनरल कैडर की है। इसी पोस्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी सबसे ज्यादा होती है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन काफी इजी है और सिलेक्शन प्रोसीजर भी काफी सिंपल होता है। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया, इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इनहैंड सैलरी 1,25,194 पर मंथ के आसपास आपकी होती है। आगे आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। यह रिक्रूटमेंट हर साल गारंटीडली निकलती है, प्रीवियस ईयर का पूरा डेटा आपके साथ शेयर कर देता हूं ताकि आपको पूरा आइडिया लग जाए कि भाई फॉर्म कब कब निकलते हैं, कितने महीने के अंदर एग्जाम होता है, कितने टाइम बाद फाइनल रिजल्ट आता है, कितने टाइम बाद आपकी फाइनल ज्वाइनिंग होती है। लास्ट ईयर के डेटा की अगर हम बात करें, 2023 में इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म निकल 9 मई 2023 को, एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाता है 9 जुलाई 2023 को और फाइनल रिजल्ट जारी हो जाता है 13 दिसंबर 2023 को। उसके पिछले साल 2022 में ऑनलाइन फॉर्म निकलते हैं 28 मार्च 2022 को, एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाता है 28 मई 2022 को, फाइनल रिजल्ट जारी हो जाता है 4 नवंबर 2022 को। उसके पिछले साल 2021 में ऑनलाइन फॉर्म निकलते हैं 28 जनवरी 2021 को, एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाता है 6 मार्च 2021 को, फाइनल रिजल्ट जारी हो जाता है 11 सितंबर 2021 को। उसके पिछले साल 2020 में ऑनलाइन फॉर्म निकलते हैं 21 सितंबर 2019 को, एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाता है 9 नवंबर 2019 को, फाइनल रिजल्ट जारी हो जाता है 19 अक्टूबर 2020 को, क्योंकि 2020 में कोविड-19 आ चुका था। तो दोस्तों आपने हर साल में नोटिस किया होगा, फॉर्म अप्लाई करने के 6 महीने के अंदर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जा रहा है, तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर भी काफी फास्ट चलता है। दोस्तों इस बार इस वैकेंसी के लिए
ऑनलाइन फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, एग्जाम कब तक कंडक्ट कराया जाएगा, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सैलरी वगैरह आगे हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि दोस्तों एज लिमिट यहां पर कितनी मांगी जाती है, जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 21 साल होती है, मैक्सिमम 30 साल रखी जाती है। ओबीसी एसटीएससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी वालों को 3 साल का मिलता है, एसटीएससी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिल्कुल सिंपल है, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन के नाम पे कुछ भी कर रखा है ना भाई, तो आप बिंदास फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जनरल कैडर वाली पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है, वैकेंसी आपको ठीक ठाक देखने को मिलती है हर साल। फाइनली बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 3 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका होता है। स्टेज फर्स्ट, जिसको हमने फेज फर्स्ट कहा है, जिसमें आपके प्रीलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, इजीली आप क्वालिफाई कर लोगे। बच्चों वाला है, वही 4 सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करने हैं जो आप अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में प्रिपेयर करते हो, और ये केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है, नाम मात्र होता है। आगे सारी जानकारी आपको दे रहा हूं। फेज सेकंड में एक मेंस एग्जाम होता है, थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन डिटेल से आपको समझा के जाऊंगा, बिंदास तैयारी आप घर बैठे कर लोगे। फेज थर्ड में आपका एक इंटरव्यू होता है, 75 नंबर का होता है, इजीली आप इसको क्वालिफाई कर लोगे, क्योंकि यहां पर आप हिंदी या फिर इंग्लिश में कैसे भी इंटरव्यू दे सकते हो, सारी फ्रीडम आपके पास है। ये एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, मेरे हिसाब से तो आप कर लोगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप एक एक फेज को समझते चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फेज फर्स्ट के एग्जाम के बारे में, जो कि आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम है। इसमें आपको 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पहला सब्जेक्ट आपका वही सिंपल जनरल अवेयरनेस रहेगा, जिससे टोटल 80 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 80 ही नंबर का ये सब्जेक्ट आपका रहेगा। दूसरा सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, जिससे 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रहेगा, 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के अंदर। चौथा सब्जेक्ट वही हमारा रीजनिंग का रहेगा, 60 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर प्रीलिमिनरी एग्जाम में टोटल 200 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 200 नंबर का आपका पेपर रहेगा, 120 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी, 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाती है। देखिए दोस्तों, प्रीलिमिनरी एग्जाम होने के बाद कैटेगरी वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी, जो कि केवल डिसाइड करेगी कि क्या आप फेज सेकंड मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। यह एग्जाम केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है, इस एग्जाम के मार्क्स फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होते, ये जस्ट आपको क्वालिफाई करना है। इसकी कट ऑफ आपको बताऊंगा ना तो आप हंसोगे कि यार इतनी कम कट ऑफ कैसे जा सकती है। अब आप पूछोगे कि क्या भैया सेक्शन वाइज भी कट ऑफ जाती है? ये सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ जाती है, लेकिन बहुत ही कम होती है। 2023 की एक कट ऑफ है फेज फर्स्ट एग्जाम की, देख लीजिएगा, अगर नहीं दिख रहा है तो ध्यान से सुनिए। जनरल अवेयरनेस 80 नंबर का था ना, तो 80 नंबर में से जनरल कैटेगरी वालों को 12 नंबर लाने थे, आप क्वालिफाई कर गए। 80 में से 12 नंबर लाने पर जनरल अवेयरनेस को आप क्वालिफाई कर रहे थे 2023 में। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी 12 नंबर थी, ओबीसी वालों को केवल 8 नंबर लाने थे, एससी वालों को 6 और एसटी वालों को भी 6 नंबर लाने थे, कितना ही थी। रीजनिंग में 60 क्वेश्चन थे, 60 नंबर का रीजनिंग था, 60 में से जनरल वालों को 9 नंबर लाने थे। इंग्लिश लैंग्वेज 30 नंबर का था, 30 में से अगर 4.5 नंबर आपके आ रहे थे, आप इंग्लिश को क्वालिफाई कर गए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 30 नंबर का था, 30 में से अगर आप 4.5 नंबर ला रहे थे, आप क्वालिफाई कर गए। 2023 की कट ऑफ बता रहा हूं फेज फर्स्ट की। टोटल 200 नंबर का आपका फेज फर्स्ट एग्जाम था, 200 में से अगर जनरल वाले 54.25 नंबर ला रहे थे तो आप फेज फर्स्ट एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे थे। 200 में से अगर 54.25 मार्क्स थे जनरल वालों के तो फाइनली आप क्वालिफाई कर रहे थे, सेकंड स्टेज में आप पहुंच गए थे। देख रहे हो कहां एसएससी एग्जाम्स की 200 में से 160 162 कट ऑफ जाती है और कहां यहां पर 200 में से 54 कट ऑफ जा रही है। वहीं पर ईडब्ल्यूएस वालों की भी 54.25 थी, ओबीसी वालों को भी 54.25, एससी वालों की 52.75, एसटी वालों की 44.75 और पीडब्ल्यूडी वालों की 40.25। ये भाई इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ थी फेज वन एग्जाम की। देख रहे हो आगे पूरा सिलेबस वगैरह सारी जानकारी आपको दूंगा, फिर इस वीडियो को देखते रहिए, सिलेबस भी आपको प्रोवाइड करूंगा। और ये 4 सब्जेक्ट आप प्रिपेयर करते होंगे हर एक एग्जाम के लिए, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर लो, एसएससी की तैयारी कर लो, वही 4 सब्जेक्ट है, कुछ भी स्पेशल नहीं है इनमें, कर लोगे ये क्वालिफाइंग चार होता है। अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो ना, बारी आती है मेंस एग्जाम की, जो कि बहुत ज्यादा टफ नहीं है। मैथ्स वगैरह कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, रीजनिंग भी आपको नहीं देखने को मिलेगा, इंग्लिश भी आपको नहीं देखने को मिलेगी इसके मेंस एग्जाम में। और यहां पर आपको क्वेश्चंस ऑप्शन में देखने को मिलते हैं, 6 क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें से कोई भी 4 क्वेश्चन का आंसर आप दे दो, इस तरीके से होता है। थोड़ा सा बुक्स वगैरह भी आपका हिंट दे के चलूंगा कि कौन सी बुक से प्रिपरेशन करनी है।
आरबीआई ग्रेड बी का फेज टू एग्जाम पैटर्न है। इस फेज टू एग्जाम में एक साथ तीन पेपर आपके होंगे, ठीक है, तीन पेपर रहेंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड। एक पेपर आपका 100 नंबर का रहेगा, यानी कि पेपर फर्स्ट भी आपका 100 नंबर का, पेपर सेकंड भी 100 नंबर का, पेपर थर्ड भी आपका 100 नंबर का रहेगा। पेपर फर्स्ट जो है एक ही दिन होंगे तीनों पेपर, ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम है। यह आपका इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज का है, इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था आप पढ़ते होंगे, जिसमें आपको हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक पढ़नी है भारत में, साथ ही भारत की इकोनॉमी आपको पढ़नी है, हिस्ट्री में वही पंचवर्षीय योजना वगैरह सारी चीजें आपको कवर करते हुए चलनी है। सोशल इश्यूज, जो सोशल मुद्दे वो आपको कवर करने, बुक्स का हिंट देके चलूंगा, चिंता मत करिए, इजीली कर लोगे। तो भाई पेपर फर्स्ट में इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज से जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, उनमें से 50% क्वेश्चन जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू में होंगे, और ये लगभग 30 क्वेश्चंस आपके होंगे, 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे, और 50% जो क्वेश्चंस होंगे ना वो आपके सब्जेक्टिव यानी कि डिस्क्रिप्टिव होंगे, आपको लिख के उनका आंसर देना है। और ये केवल 6 क्वेश्चंस होंगे सब्जेक्टिव, 6 में से किन्हीं 4 क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है, ठीक है। ये आपका बस पेपर फर्स्ट है और ज्यादा कुछ नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए 30 मिनट दी जाएंगे, 30 क्वेश्चन को 30 मिनट के अंदर सोल्व करना है। सब्जेक्टिव 4 क्वेश्चन है, 90 मिनट के अंदर आपको उनके आंसर लिखने हैं। तो पेपर फर्स्ट को सोल्व करने के लिए आपके पास पूरी 120 मिनट रहने वाली है। जो हमारे 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना वो 50 नंबर के हैं, वो इसलिए क्योंकि कुछ क्वेश्चन एक नंबर का है, कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के हैं। और जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है मतलब डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चंस है, 4 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपके 15-15 नंबर के हैं, 2 क्वेश्चन आपके 10-10 नंबर के हैं, हो गए हमारे 50 नंबर। तो भाई 50-50 को ऐड करोगे तो 100 नंबर का आपका पेपर फर्स्ट है। इजिली इकोनॉमिक सिंपली आपको पढ़नी है। और इस एग्जाम की एक और खास बात है, इसके नोटिफिकेशन में बुक का भी सजेशन दिया गया है कि भाई इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए इस बुक से आप प्रिपरेशन कर सकते हो, बढ़िया बुक है, का नाम दे रखा है, तो उस बुक से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन बेटर ऑप्शन ये है कि बहुत सारी आजकल मार्केट के अंदर आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स की बुक है, केवल एक सिंपल बुक परचेज कर लीजिएगा, दिशा या फिर अरियंत पब्लिकेशन की, किरण पब्लिकेशन की, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि उन बुक के अंदर आपको एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिलेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे, जिससे आपका रेफरेंस क्लियर हो जाएगा, आप आसानी से एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। तो भाई ये पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड भी कुछ टफ नहीं है, 100 नंबर का है, इंग्लिश राइटिंग का रहेगा, मतलब वही आपको एसे राइटिंग वगैरह, लेटर वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, कर लोगे, कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज आपको देखने को मिल सकते हैं, इजीली आप कर लोगे, ठीक है। 90 मिनट का ये रहने वाला है, 90 मिनट के अंदर आपको राइटिंग स्किल्स आपको अपने दिखानी है, 100 नंबर का ये रहने वाला है, ठीक है, सिंपल है, बहुत बड़ी बात नहीं है। अब तक आपका सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल में होता था। पेपर थर्ड क्या है, ये भी 100 नंबर का, इसमें फाइनेंस और मैनेजमेंट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखिए भाई आरबीआई का एग्जाम है तो फाइनेंस से तो क्वेश्चन बनते हैं, घबराइएगा मत, बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ लीजिएगा, वही आपका एटीएम बैंक कितने टाइप के होते हैं, आरटीजीएस क्या होता है, यही आपके एनईएफटी वगैरह कितने होते हैं, ठीक है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में डिफरेंस, यानी कि पूरा आपको फाइनेंस मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा। ये तो मैंने आपको बेसिक बताया, लेकिन थोड़ा सा डीप आपको जाना पड़ेगा, कोई एक बुक परचेज कर लीजिएगा, वहां से आप कवर कर लोगे, ठीक है। पढ़ने में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, बोर आप बिल्कुल भी फील नहीं करोगे, ठीक है। इससे भी 50% क्वेश्चंस आपके सब्जेक्टिव रहेंगे, 50% क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, सेम इस तरीके से रहेगा, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे फाइनेंस और मैनेजमेंट से, बाकी 6 क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे, ठीक है, थ्योरेटिकल जिसको आपको आंसर लिख के देना होगा, 6 में से 4 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, वही 30 मिनट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने के लिए रहेंगे, 90 मिनट सब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने के लिए रहेंगे, 50 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के होंगे, कुछ क्वेश्चन एक नंबर का, कुछ 2 नंबर का, ठीक है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपके 50 नंबर के रहने वाले हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन 15-15 नंबर के, बाकी 2 10-10 नंबर के रहेंगे, और ये भी आपका 100 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो भाई ये जो फेज सेकंड का एग्जाम हो गया ना, ये ओवरऑल 300 नंबर का हो जाता है, क्योंकि पेपर फर्स्ट भी 100 का, पेपर सेकंड भी 100 का, और पेपर थर्ड भी 100 का, तो ओवरऑल फेज सेकंड आपका 300 नंबर का है। फेज सेकंड होने के बाद फिर से एक और कट ऑफ बनेगी, ठीक है, फेज सेकंड एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर, जो कि डिसाइड करेगी कि आप फेज थर्ड के लिए क्वालिफाई कर रहे हो। और ये कट ऑफ बनेगी ना, ये 300 नंबर में से इस बार बनने वाली है, चिंता मत करिए, फाइनल कट ऑफ के बारे में भी आपको बताऊंगा, ठीक है, समझ गए। तो भाई ओवरऑल आपकी 300 नंबर में से एक और कट ऑफ बनेगी कैटेगरी वाइज, जो कि डिसाइड कर रही होगी कि क्या आप सेकंड थर्ड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो। कट ऑफ सुन लीजिए फेज सेकंड एग्जाम की क्या थी।
फेस सेकंड एग्जाम 300 नंबर का था। अगर आप 300 नंबर में से जनरल वालों ने 2023 में 169 मतलब 169 मार्क्स लाए थे तो भाई फेस थर्ड के लिए क्वालिफाई कर गए थे। ओबीसी वालों को भी 169 था, एससी वालों की 156 थी, एसटी वालों की 148, ईडब्ल्यूएस वालों की 169 और पीडब्ल्यूडी वालों की 148 थी। 300 में से कट ऑफ गई थी फेस सेकंड एग्जाम की, आप क्वालिफाई कर गए थे, ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है। हालांकि आपको इस बार थोड़ा नया पढ़ना पड़ रहा है लेकिन कट ऑफ भी बहुत नेक्स्ट लेवल नहीं जाती, कर लोगे आप मेरे हिसाब से तो अगर थोड़ी सी मेहनत करो। उसके बाद फेस थर्ड आपका इंटरव्यू है, इंटरव्यू भी बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि खास बात यह है कि इंटरव्यू केवल और केवल 75 नंबर का है और यह पहले क्लियर कर रखा है कि इंटरव्यू आइदर इन हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, देख रहे हो यह खास बात है, यह नहीं कि आपको इंग्लिश में ही इंटरव्यू देना है, इंग्लिश या फिर हिंदी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इंटरव्यू में आप आंसर दे सकते हो। आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर फोकस किया जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर फोकस किया जाएगा, पर्सनल बायोडेटा के ऊपर फोकस किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर खास ध्यान दिया जाता है कि आपने जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी है क्या आपने एग्जैक्टली वही कर रखी है। तो ये सारी चीजें आपकी होती है, मेंटल एबिलिटी परखने के लिए यहां पर पर्सनल इंटरव्यू रखा गया है, ठीक है, 75 नंबर का है, कर लोगे क्वालिफाई करने के बाद बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की। हिंदी इंग्लिश में कैसे भी इंटरव्यू दे सकते हो, जब आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए ना फेस फर्स्ट, उसके बाद गूगल कर लीजिएगा, यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लीजिएगा कि भाई आरबीआई ग्रेड बी का इंटरव्यू कैसे होता है, जिन लोगों ने क्रैक कर रखे है ना वो आपको सारी जानकारी दे देंगे और मस्त आप निकाल के आओगे। फायदा उठाइए दोस्तों इस टेक्नोलॉजी का। फाइनल मेरिट किस बेसिस पर बनेगी, फाइनल मेरिट 375 नंबर में से बनती है, क्यों, फेस सेकंड जो एग्जाम था वो 300 नंबर का था, इंटरव्यू आपका 75 नंबर का था, दोनों को ऐड कर दीजिए हो गए हमारे 375, तो फाइनल मेरिट बनेगी 375 नंबर में से केवल फेस सेकंड और फेज थर्ड को कंबाइंड करके फाइनल मेरिट बनेगी, फेज फर्स्ट का कोई भी रोल नहीं है, वो क्वालिफाई नेचर था। तो भाई 375 नंबर से फाइनल कट ऑफ बनेगी। तो अब लास्ट ईयर की फाइनल कट ऑफ भी आप पूछोगे, लो भाई देख लो आरबीआई ग्रेड बी फाइनल कट ऑफ ऑफ 2023 की फाइनल कट ऑफ देख लीजिए, 375 में से ये कट ऑफ गई थी। जनरल वालों ने अगर 2023 में 375 में से 229 नंबर लाए तो उनका फाइनली सिलेक्शन हो गया, वो आप ज्वाइनिंग ले चुके हैं। 375 में से 229 पर जनरल वालों का सिलेक्शन हुआ 2023 में। ओबीसी वालों को 375 में से 221 मार्क्स लाने थे, एससी वालों को 213, एसटी वालों को 203 समथिंग, ईडब्ल्यूएस वालों को 194 और पीडब्ल्यूडी वालों को 202 नंबर लाने थे। तो ये फाइनल कट ऑफ थी 2023 की आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स की, देख रहे हो ये कट ऑफ थी, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो फाइनली आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, वहां से आप इजीली पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, अपने मोबाइल फोन के अंदर समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई इस बार किस एग्जाम के लिए किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का, बाकी इसका प्रीवियसर जो नोटिफिकेशन होगा ना 2023 वाला वो डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें भी पूरा एग्जाम पैटर्न सिलेबस डिटेल के साथ दे रखा है, टॉपिक वाइज दे रखा है, बुक्स भी बता रखी है। बाकी मैं तो यही कहूंगा कि कोई भी एक बुक उठा लीजिए अमेजोन फ्लिपकार्ट से आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स की, उससे प्रिपरेशन करिए, वहां पर आपको प्रीवियसर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब फाइनली बात करते हैं कि भैया सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर एग्जैक्टली कितनी सैलरी मिलेगी, एग्जाम सेंटर्स क्या रहेगा, प्रोबेशन पीरियड कितना होता है, जॉब लोकेशन क्या होती है, जॉब प्रोफाइल क्या रहता है। देखिए दोस्तों सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें, ये एक ग्रुप ए की पोस्ट होती है शायद। इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इनहैंड सैलरी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन 1,25,194 से ज्यादा आपको देखने को मिलती है, क्लियर है। पूरा अगर हम सैलरी स्ट्रक्चर समझे तो इसमें आपको अलाउंसेस काफी सारे मिलते हैं, जैसे कि आपको एक स्पेशल अलाउंस मिलता है, डेयरनेस अलाउंस मिलता है जो कि बेसिक सैलरी का अब 40% हो चुका है, इसमें आपको एक हाउस रेंट अलाउंस मिलता है जो कि बेसिक सैलरी का 15% आपको देखने को मिलता है, जो कि समथिंग 8,000 प्लस के आसपास आपका बैठेगा अगर आप हाउस रेंट अलाउंस ले रहे हो तभी आपको मिलेगा, वरना आपको आरबीआई अलग से घर भी देता है रहने के लिए, ठीक है, अकोमोडेशन की भी सुविधा ये देता है। लर्निंग अलाउंस आपको मिलता है, लोकल कंपनसेटरी अलाउंस आपको मिलता है, ग्रेड अलाउंस मिलता है, स्पेशल ग्रेड अलाउंस मिलता है, ट्रेवल अलाउंस भी मिलता है, जिसके बाद आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी 2023 तक तो 1,25,194 पर मंथ थी, अब सैलरी शायद इंक्रीज हो गई होगी क्योंकि डीएनएस अलाउंस अभी तो बढ़ा है, पिछले साल से ही 40% हुआ है, तो सैलरी अब आपको और ज्यादा देखने को मिलेगी। एग्जाम सेंटर्स के बारे में बात करें कोई बड़ा इशू नहीं है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में आपको काफी सारे एग्जाम सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे, आपको अपने होम स्टेट में आसपास के शहर में ही एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। एग्जाम सेंटर्स की सारी जानकारी नोटिफिकेशन में भी दे रखी होती है, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा।
प्रोबेशन पीरियड आपका कितना होता है, एक तरीके से ट्रेनिंग पीरियड आपका 2 साल का होता है। प्रोबेशन पीरियड के टाइम पर प्रॉपर आपको सैलरी इसमें मिलती है। जो प्रोफाइल काफी इंटरेस्टिंग है, ये कंप्लीटली एक ऑफिस सेक्शन की जॉब है, ऑफिसर लेवल की पोस्ट है। आपको आरबीआई की ब्रांच के अंदर एक अलग कैबिन मिलता है, जहां पर आप हमेशा 9 to 5 की ऑफिस सेक्शन की जॉब कर रहे होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड आपको काम करना होता है। आपके अंडर काफी सारे बड़े ऑफिसर्स, काफी सारे एम्प्लॉयज होते हैं, काफी सारे असिस्टेंट आपके अंदर काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी एक तरीके से आपके अंडर काम करता है, ठीक है। तो काफी बड़े लेवल की ये पोस्ट है, छोटी मत समझिएगा। साथ ही दोस्तों, जॉब लोकेशन आपकी क्या रहेगी, ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी, क्योंकि आरबीआई के ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के बड़े बड़े शहरों में ब्रांचेस है, रीजनल ऑफिसेज है, तो उनके अंदर आपको इसमें पोस्टिंग देखने को मिलती है। क्लियर है? तो ये जॉब लोकेशन का प्रोसीजर है। फाइनली बात करते हैं कि भैया फॉर्म कब निकलेंगे, फॉर्म फीस वगैरह कितनी होती है। देखिए दोस्तों, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ₹850 फॉर्म फीस हर साल चार्ज किए जाते हैं। एससी एसटी पीएच कैटेगरी के लिए ₹175 फॉर्म फीस हर साल चार्ज किए जाते हैं। सवाल उठता है कि वैकेंसी कब आ रही है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये हर साल वैकेंसीज आने का है। 2023 में मई में आई थी, 2022 में मार्च में आई थी, 2021 में जनवरी में आई थी, और 2022 में 20 में 19 में सितंबर में आई थी, ठीक है। तो दोस्तों, इस बार भी वैकेंसीज जो आपको देखने को मिलेंगे ना, वो आपको साल के मिड के आसपास देखने को मिलेगी। यानी कि इस बार भी वैकेंसी आपको जून मंथ के आसपास देखने को मिलेगी, पिछले साल आपको मई में देखने को मिली थी। फाइनल रिजल्ट 13 दिसंबर को जारी हो चुका है, तो आने को तो कभी भी आपकी वैकेंसी आ सकती है, कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको बोल के चलूंगा, मैक्सिमम लगा के चलिए मई जून के आसपास आपको वैकेंसी गारंटेडली देखने को मिल जाएगी। हर साल वैकेंसी निकलती है, जैसे कि आप देख सकते हो, कभी भी वैकेंसी मिस नहीं होती। ये वैकेंसी निकलनी ही निकलनी है, ये इसका एक प्लस पॉइंट मुझे लगता है। तो भाई अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, वेट मत करिए, ये मत सोचिए कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा मैं तैयारी तब से करूंगा। अभी से खुद को फुल्ली प्रिपेयर्ड कर लीजिए, चाहे आपका फेस फर्स्ट एग्जाम हो, फेस सेकंड एग्जाम हो, इकोनॉमिक्स धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दीजिए, बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना शुरू कर दीजिए, इंग्लिश स्किल को भी थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू कर दीजिए, राइटिंग करना शुरू कर दीजिए, फिर देखते हैं कौन रोकता है आपको इस बड़े लेवल के एग्जाम को क्रैक करने से, ठीक है। नेक्स्ट लेवल का एग्जाम है, आपको कोई नहीं बताएगा इन एग्जाम के बारे में। सभी लोग रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीएचएसएल, कांस्टेबल, जीडी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन दोस्तों ये एग्जाम है जो कि आपकी लाइफ बदलने का दम रखते हैं। और दोस्तों, इन एग्जाम के लिए कोई तगड़े जिगर वाला ही बंदा चाहिए कि भाई मैं ठोक के आऊंगा इस एग्जाम को, देखता है कौन रोकता है। तो ऐसा कॉन्फिडेंस लेकर आइए, छोटे मोटे एग्जाम के पीछे तो सब लोग भाग रहे हैं, भीड़ में तो सब लोग भाग रहे हैं, भीड़ का हिस्सा मत बनिए, थोड़ा अलग निकल के चलिए, देखिएगा मंजिल जबरदस्त दिखेगी। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, चीज आप समझ गए होंगे। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछिएगा, वरना इंस्टाग्राम के ऊपर आपको मिलूंगा सोनू हलाउत के नाम से। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।